बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। अभी वीडियो एक स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो में क्या है कि घर की एलईडी का रिमोट जो है बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसको ओके करना है। तो वीडियो में जो नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। तो घर की एलईडी का रिमोट ठीक करना है, इसी तरह एसी का रिमोट अगर आपने ठीक करना हो या कि जो माइक्रोवेव ओवन के जो बटन पैनल होता है उसको रिपेयर करना, तो आपको इजीली इस वीडियो में पता लगेगा। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। इको स्टार एलईडी का रिमोट है, रिमोट मैंने ओपन कर लिया है। रिमोट अगर आप देखें तो ये सारी कितनी डस्ट है इसके अंदर। ये सारा क्या है कि घर वाले अक्सर यूज़ करते हुए किचन वगैरह में भी ले जाते हैं, जिसकी वजह से अगर तवे के ऊपर कोई पराठा शराठा फ्राई हो रहा है या कोई भी चीज़, तो ऑयल जो है किचन में अक्सर आपको पता है कि वो इधर उधर उड़ रहा होता है तो इसके लिए इसके ऊपर सारा ऑयल वगैरह आ गया है, ठीक है, डस्ट वगैरह है, जिसकी वजह से ये रिमोट जो बिल्कुल नहीं चल रहा। और इसी तरह माइक्रोवेव ओवन के बटन भी अक्सर जो है कुछ अरसे के बाद काम करना छोड़ जाते हैं, वो भी ये कि ऑयल वगैरह किचन में होता है। तो सेकंड, ये जो इसका रिमोट का किट है इसको भी हमने सारा सर्टिफिकेट करना है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। सबसे पहले मैं इसको जो है वॉश करके अभी दे के आता हूँ सर्फ के साथ, और टिथ ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है। बकाया बाद में ये वाला जो पैनल होगा इसको साफ करना है, लेकिन इसको भी साफ कर लेते हैं। ये जो रबड़ है इसको भी सारे साफ कर लेते हैं। इसको तो वैसे साफ करेंगे, लेकिन ये जो इतनी गंद वगैरह अंदर लगा हुआ है ये सारा भी वॉश करके ले गया। अभी रिमोट को ये वॉश करके ले आए हैं। पहले आपने देखा है क्या हालत थी इसकी, और अभी देखें न्यू निकला है, और ये भी इसी तरह ही है। अभी सिर्फ ये के बाहर रखेंगे, इसको ड्राई कर लेंगे, और अभी जो इसकी जो किट है इसको हम साफ कर लेते हैं। दूसरा टिथ ब्रश के साथ जो है इसकी किट को हम साफ कर लेते हैं। पेट्रोल के साथ साफ करना है, हल्का हल्का, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ये ना किट टूट जाए आपकी। स्लो स्लो इसको साफ़ कर लेना। यही इसकी मेन किट है जो ब्लैक वाली है, इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। बकाया ये सारे जितनी किट के अंदर ये जितने रस्से बने हुए हैं ये सारे इसी तरह ही हैं। जो रिमोट के ऊपर बटन बने हैं, कि पावर का बटन है या कोई चैनल चेंज करने का, वॉल्यूम चेंज करने का, या जो सोर्स का बटन होता है इसको भी हम साइड पर रख लेते हैं। ये जो किट है इसको साफ़ कर लेते हैं। ये उसकी केसिंग है, अभी इन सब चीज़ों को जो है ड्राई होने देना है। तकरीबन पंखे की हवा में भी एक आधा घंटा लगेगा, सब चीज़ें जो है खुश्क हो जाएंगी। पानी वगैरह जितना खुश्क हो जाएगा, या पेट्रोल जो है पेट्रोल ये तो वैसे ही 2-3 मिनट में खुश्क हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल हवा में उड़ जाता है, और ये जो है खुश्क हो जाएगा। इसके बाद इसको फिक्स करते हैं। रिमोट सारा खुश्क हो गया है, सिर्फ एक साइड रह गई है। इसको भी थोड़ी देर बैक साइड जो है इसको भी इसी तरह बैक पर रख के भी ड्राई करना है। रिमोट अभी बिल्कुल ड्राई हो गया है, अब इसको पैक कर लेते हैं, और पैक करने के बाद इसको चेक करते हैं। यही रिमोट ओके किया है, इसको अब हम चेक करते हैं एलईडी के साथ।